हेलो गाइस, हेलो टॉय फैंस एंड टॉय कलेक्टर्स, इट्स मी शरद सिंह। और आज हम लोग फिर से एक और एपिसोड ले आ गए एनिमे मिनिया का। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं डीमन स्लेयर म्युगेन ट्रेन के बारे में। नहीं, मैं फिर से वही घिसे पिटे न्यूज़ लेके नहीं आया हूँ इस बार। शायद थोड़ी नहीं है, बट अगर आपको पता है तो सही है आपके लिए, बट जिन लोगों को नहीं पता है तो रहिए इस वीडियो में, तो मैं बताऊँगा कुछ डीमन स्लेयर के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। अब अगर हम बात करें डीमन स्लेयर की, क्या मैंने न्यूज़ लेके आया हूँ और क्यों मैं ये एपिसोड बना रहा हूँ। मैंने पिछले एपिसोड में ये बोला था, अगर जब तक कोई ढंग की न्यूज़ नहीं आती तब तक मैं एपिसोड नहीं बनाऊँगा डीमन स्लेयर म्युगेन ट्रेन के बारे में। बट कल मैंने देखा कि पीवीआर ने थोड़े दिन पहले एक पोस्ट डाला था अपने पेज पे, नॉट पीवीआर पिक्चर्स, पीवीआर सिनेमाज ने, उन्होंने डाला था कि सोनिक 2 जो मूवी है वो आने वाली है। तो उसके कमेंट्स में बहुत लोगों ने देख लिखा कि डीमन स्लेयर की मूवी, डीमन स्लेयर की मूवी। और जब भी कोई डीमन स्लेयर की मूवी का रिस्पांस देता था तो सिर्फ एक ही चीज़ बोलते हैं, वी आर इन टच, और जब भी कुछ अपडेट आएगा तो वी विल लेट यू नो। तो पहले कुछ हफ्तों महीनों तक यही अपडेट्स के साथ हम लोग को शांत कर देते थे, बट अब कल ही पीवीआर ने एक नया मैसेज डालना शुरू कर दिया कि भाई डीमन स्लेयर की मूवी की डीलिंग हो गई है, बस वी आर वेटिंग फॉर द कंपनी जो पूरा मूवी का ला रहा है इंडिया में, पूरा मतलब इन लोग का जो राइट्स वगैरह का जो प्रॉब्लम है उस कंपनी से बस अभी मिल पता चलना चाहिए कि एक्चुअल रिलीज डेट, कि वो लोग किस रिलीज डेट, किस डेट के साथ कंफर्टेबल है कि रिलीज़ कर दें इंडिया में। तो यही एक है, वैसे फोटोज़ भी दिखा देता हूँ, बहुत सारी हैं। तो इन कमेंट्स और रिप्लाइज से पता ये चल रहा है कि मुझे तो लग रहा है, मुझे आप लोगों का नहीं पता बट मुझे तो लग ही रहा है कि डीमन स्लेयर की डीलिंग हो गई है, बस अभी जो कंपनी है, जो एक्चुअल कंपनी है जो जापान से या अमेरिका जहाँ पे भी डब हो रही है, सब और डब जो भी इस पूरे मूवी को इंडिया में ला रहे हैं कंपनी, उन कंपनी बस एक एक्चुअल डेट देख रहे हैं कि जिससे ये मूवी को रिलीज़ करें और इनको भी स्पेस मिले। क्योंकि अभी आजकल में अब धीरे करके जो मूवीज़ रोक दी थी इस पैंडमिक की वजह से वो भी अब धीरे करके आ रही हैं, जैसे कल 83 की भी डेट रिवील हो गई, उसके अलावा अभी सूर्यवंशी की भी डेट रिवील हो गई। तो और भी मूवीज़ हैं, स्पेशली मैं सूर्यवंशी का नाम ले रहा हूँ तो इसमें थोड़ा सा सूर्यवंशी को भी रिलेटेड लेंगे क्योंकि सिनेमा हॉल्स और सूर्यवंशी का थोड़ा सा पंगा चल रहा था, मैं उसके बारे में डिस्कशन नहीं करना चाहता हूँ। बट मुझे लग रहा है कहीं इसी वजह से डीमन स्लेयर का डीलिंग और जो भी आ रहा है उसके डिले हो रहा है, बट देखते हैं अभी आगे क्या क्या होगा। बट मैं मुझे तो लग रहा है मे बी ये मूवी नवंबर या मे बी मिड ईयर अगस्त तक आए, मैं चाहता हूँ कि थोड़े जल्द से जल्द आए तो बढ़िया ही रहेगा, बट देखते हैं अभी। अभी तक तो इतना ही अपडेट मिला है ज़्यादा से ज़्यादा। तो थैंक यू वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब लाइक कमेंट शेयर, और मिल देखते हैं अभी क्या आता है पीवीआर की तरफ से अपडेट्स। बट अगर कोई भी मेजर अपडेट आएगा डीमन से या किसी भी एनिमे मूवी से रिलेटेड तो मैं ज़रूर बताऊँगा। और मैं देख रहा हूँ कि अब पहले तो डीमन स्लेयर का हो रहा था, बीच में माय हीरो का हो रहा था, अब आजकल एक पोकेमोन की मूवी के लिए भी हो गया। भाई कमेंट सेक्शन में बताओ, कोई नई पोकेमोन की मूवी भी आ रही है क्या? क्योंकि मैं देख रहा हूँ अभी जैसे ये रहा, इसमें दिखा रहा है कि पोकेमोन की मूवी के लिए भी कोई रिक्वेस्ट कर रहे हैं, पोकेमोन की भी नई मूवी आ रही है, डैम यार। बट अभी देखते हैं, वैसे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, बट इन लोगों ने बोला था कि ये लोग डोरेमोन की मूवी भी लाने की कोशिश कर रहे हैं, स्टैंड बाय मी 2, जिसका वीडियो के बारे में मैंने किया था, इसका लिंक इन डिस्क्रिप्शन होगा, तो जाके देखिए इस वीडियो को। और हाँ, तो थैंक यू वॉचिंग, प्लीज लैंग्वेज शेयर, और मिलते हैं अगले एपिसोड में नेक्स्ट टाइम। तो बाय।
डॉक्टर।